दिल्ली की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि ट्रैफिक रूल में जो भी चालान वगैरह आया है उसमें भी कुछ चीज़ों को माफ करने का बीड़ा उठाया है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपका कोई चालान आया है तो आप 1 तारीख से पहले जाकर उनके वेबसाइट वगैरह में वहां पर जाकर अपना जो भी है पर्ची वगैरह दाखिल कर सकते हैं, जिससे आपको ऑफर मिलेगा और डिस्काउंट हो जाएगा आपके चालान में। जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और आपके सिटी में ये चीज होना चाहिए या नहीं वो भी जरूर बताइए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया का या फिर पूरी दुनिया का सबसे जबरदस्त ट्रैफिक कहाँ पर लगता है, पता बताइए। नहीं पता तो हम आपको बताते हैं, वो है बैंगलोर और पुणे। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन सिटी में देखा गया है, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आपको ये चीज़ पता था कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे टेक वॉक। मॉर्निंग में काफ़ी जबरदस्त वीडियो डाल दिया, जरूर देखिए। बात करते हैं पोल की, हमने आपसे पूछा था बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त पोल कि आप UPI में कौन सा UPI पेमेंट यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा 43% लोगों ने कहा कि भैया हम फोन पे यूज़ कर सकते हैं, 39% लोगों ने कहा जीपे यूज़ करते हैं और कुछ अदर है जो भीम यूज़ करते हैं 8-9%। लेकिन 11% लोगों ने कहा कि भैया हम ऑफलाइन देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं और 2% लोग भैया अदर बोले, इस तरह की कुछ अपडेट है। वैसे आप कौन सा UPI पेमेंट यूज़ करते हैं कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए पहली अपडेट बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की 2 अपडेट निकल के आ रही है। पहला जो है कि WhatsApp अपना क्रिएटिव इवेंट्स कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं उनके ग्रुप में जाकर, मतलब आपका जो भी ग्रुप है उसमें जाकर। वहीं अगली अपडेट आ रही है कि WhatsApp आप क्या करेगा, यूज़र्स को 1 डे या 1 मंथ के लिए ब्लॉक करेगा अगर आप कोई भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं WhatsApp में या कुछ भी गलती करते हैं या अश्लीलता करते हैं, तो इस तरह का काम होने वाला है। वैसे आप वीडियो कॉल में क्या करते हैं समझ रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है इसी गूगल पे और फोन पे की तरफ से। तो एक अलर्ट जारी किया गया है कि अगर आप बहुत टाइम से एक ही पासवर्ड और पिन रख रहे हैं तो UPI की तरफ से एक अलर्ट जारी हुई है कि आप अपना पासवर्ड को चेंज कर दीजिए, इस तरह की कुछ अपडेट है, वरना पैसा उड़ सकता है, ऐसा खतरा मंडला रहा है। तो जो भी आपका पासवर्ड वगैरह उसको चेंज कर दीजिए और चेंज करते रहना चाहिए 2-3 महीना में, इस तरह का कुछ है। अगली अपडेट जो आ रही है बहुत ही चौंकाने वाली है। AI की वजह से 70,000 से ज़्यादा नौकरियां गई है, वो भी किसकी गई है, जो एप्पल में काम करते थे, जो अमेज़ॉन में काम करते थे, जो गूगल में काम करते थे, उनका इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वैसे आपका नौकरी सही सलामत है या नहीं या फिर आप स्टूडेंट है कमेंट। अगली अपडेट आ रही है स्नैपड्रैगन जनरेशन 3 के साथ। ऐसा बताया जा रहा है कि ये प्रोसेसर अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, क्योंकि ROG फोन 11 अल्ट्रा वगैरह में इसका एंटूडो बेंचमार्क स्कोर सबसे ज़्यादा निकल के आया है, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। वक्त होता है आपके सवाल लेने का। नदीम जी का सवाल है कि Realme 12 Pro Plus में कुछ दिन पहले मैंने वीडियो दिया था कि उसमें माइक काम नहीं करता है, तो इन्होंने पूछा सॉल्यूशन क्या है। इनका सॉल्यूशन यही है कि आप वायरलेस माइक वगैरह यूज़ करें, वो वर्क करेगा। वायर वाला पता नहीं वर्क नहीं कर रहा, हमने हर कुछ ट्राई करके देख लिया, अगर आपके फ़ोन में कर रहा है काम तो कमेंट। अगली अपडेट आ रही है पोको की तरफ से। पोको का X6 का ब्लू कलर आ गया है, जैसा नथिंग फोन 2A का आया था उसी तरह का इसका भी आया है, इस तरह की अपडेट निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं रेडमी 13 की, तो इंडिया में रेडमी 13 जो है वो पोको के ब्रांडिंग में लॉन्च होगा बहुत ही जल्दी, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं अगली अपडेट आ रही है पोको का F6 जो आने वाला है वो NBTC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग 20,000 mAh का एक पावर बैंक लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी, इसकी लिस्टिंग वगैरह हुई है। 45 वाट फास्ट चार्जिंग को ये भैया आउटपुट देगा, इस तरह की कुछ अपडेट है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। लेकिन इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, 3,000 या उससे ऊपर कमेंट में सर। अगली अपडेट आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो का V30e 5G फोन लॉन्च हो गया, 27,999 8/128 GB अलग वेरियंट का। बात करते हैं स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 वाला प्रोसेसर है, इसमें FHD+ AMOLED डिस्प्ले 120Hz के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन कर्व नहीं है। 50+8 का रियर कैमरा, 50 का सेल्फी, 5,500 mAh की बैटरी, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग। क्या लगता है ये वैल्यू फॉर मनी आपको लगा कहीं से? मुझे इससे अच्छा लगता है कि रियलमी का 12 Pro ले ले, उसमें कैमरा नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है एक्कू Z9X के तरफ से, इसकी लिस्टिंग हुई है इंडिया में, मतलब बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन अब भी अपडेट आ रही है नथिंग फोन 2A की तरफ से, इसको नया अपडेट जो मिला है उसके बाद ChatGPT जो है इसको इनेबल कर दिया गया है,
अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है। आप कोई भी AI असिस्टेंट अपने फोन में यूज करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगली अपडेट आ रही है हॉनर के तरफ से। हॉनर का 200 और 200 प्रो ये दो फोन जो है 3C सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गई है। 100 वाट का फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिलेगा, जब आएगा तो सारी डिटेल देंगे। अगली अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स GT20 प्रो की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि GT20 प्रो और साथ में इनका TWS भी लॉन्च होगा इंडिया में बहुत ही जल्दी, इसकी लिस्टिंग हुई है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, बात करते हैं डील्स और ऑफर की। तो जो जबरदस्त डील्स है मैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर 37,000 में सैमसंग का Z Flip 3 फोन लेना है तो ले सकते हैं 37,999 में फ्लिपकार्ट में मिल रहा। वहीं अगली अपडेट जो आ रही है वो AC से रिलेटेड है। ऐसा बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के जो डेज सेल है उसमें 27,000 में स्प्लिट AC 1.5 टन का मिल रहा है वोल्टास का और डेकेन का, तो जाके देख सकते हैं। वहीं अगली अपडेट आ रही है के आज से समर डे सेल शुरू हो गया अमेज़ॉन का, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। वहीं बात करते हैं रियलमी का, P1 सीरीज़ में 2,000 का डिस्काउंट है, तो आज से मिल रहा है, तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों टेक न्यूज़ ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी सवाल कमेंट में पूछिए। कल का टेक न्यूज़ इसलिए नहीं आया कि हम कोलकाता गए थे, थोड़ा बिजी थे, कुछ मेडिकल इशू चल रहा है इसकी वजह से गए, और कल हमें फिर जाना है मे बी कल या सैटरडे को, तो हम आपको पहले ही बता देंगे कि भैया टेक न्यूज़ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आते आते रात 10 बज जाता है और फिर हम टेक न्यूज़ देना नहीं चाहते, क्योंकि 10 बजे रात में अगर हम वीडियो को शूट करें तो 1:30 बजे रात में आपको वीडियो मिलेगा और मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए हम नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा मेडिकल इशू है, घूमने हम नहीं जा रहे भाई, फिर हम जाएंगे, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।